श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ राजस्थान सालासर से, और यहाँ पे अभी हम लोग हैं छत पे और यहाँ पे बहुत तेज धूप लग रही है, इसलिए मैंने हाथ ऐसे कर रखा है। और मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आमा रेडी हो चुकी है मंदिर जाने के लिए, और आमा अपने साथ लेके आई है पिछौड़ा। तो ये हमारे कुछ ग्रुप मेंबर्स रेडी होके जाने लग गए हैं, और ये अपने साथ लेके आए थे पिछौड़ा। काफी सुंदर लग रहा है इनके ऊपर। और मैं जा रही हूँ अभी आंटी से मिलने। ये हमारी आंटी, हेलो बोलो। राम राम। नहा के अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं बालाजी दर्शन के लिए। हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। ये है मेरे साथ पूजा, संजय और पीछे क्या नाम, भरत, सूरज भैया, शिवानी, भावेश और मयंक ये आ रहे हैं। और ब्लू टी शर्ट वाले का नाम क्या है, सौरभ। हाँ, तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, और हमारे होटल से मंदिर का डिस्टेंस है 100 to 200 meters के आसपास। और हमारे साथ एक ब्लॉगर और है, क्या नाम है तुम्हारे यूट्यूब चैनल का, पता नहीं क्या, भावेश। द भावेश, कब बनाओगे आप व्लॉग? जब आप इजाजत दो यार। भाई हमसे पीछे ब्लॉगर इतने आगे चले गए, हम तो कह रहे प्रमोट करते रहो भाई इनको। और तो क्या, क्यों हाँ फिर आप बहुत आगे जाइए, बिल्कुल मिलियन में व्यूज आ जाए भाई। अभी हम लोग जाएंगे पहले प्रसाद लेने। हम लोग आए हैं अभी प्रसाद लेने, और ये प्रसाद ले लिया है। प्रसाद लेके हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। यहाँ से लगी है दर्शन के लिए लाइन। हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ पे एंट्री दूसरे गेट से होती है और एग्जिट दूसरे गेट से होते हैं। तो अभी हम दूसरे गेट से एग्जिट होके बाहर निकल रहे हैं और जाते हैं पहले जहाँ से प्रसाद दिया था, क्योंकि वहीं पे मैंने अपने स्लीपर्स खोले थे, और उसके बाद यहाँ का लोकल मार्केट घूमेंगे। ये मंदिर के चारों तरफ ऐसे ही मार्केट है पूरा। यहाँ मिलती है नज़र उतारने की बत्ती, और भैया यहाँ पे ले रहे हैं। भैया मिल गई, किसको लगी नज़र? कैसे उतारते हैं पता चल गया? इसको पहले 11 बार घुमाना है, उसके बाद जो इसको जला देना है बत्ती को। अच्छा, बत्ती को पहले घुमाना है, किसी भी चीज़ वस्तु पे गाड़ी पे जो जिस चीज़ पे नज़र लगी हो उसमें घुमा के 11 बार उसके बाद बत्ती जला देना। ठीक है, कितने की मिली? 50 रुपये होंगे एक बार। चलो फिर वापस हम मंदिर के फ्रंट गेट पे आ चुके हैं, और यहाँ चल रहा है इन सब लोगों का फोटोशूट। हम लोग लेने आए हैं अभी यहाँ पे राजस्थानी दुपट्टा। Thank you.
बढ़िया है दोनों किनकी रामलाल दोनों की हाँ दोनों की बहुत बढ़िया है हाइट अच्छी है ना लंबा लंबा की क्या नाम है तुम्हारा अंजू अंजू क्या करती हो यहाँ पे भीख मांगना और क्या करती काम क्यों नहीं करती हो फिर माना कोई काम बंदूक क्यों काम करवा तो पुजारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थोड़ी बना ले भगवान ने हाथ पैर दिए काम करो भीख क्यों मांग रहे हो कोई काम को नहीं करवा है कोई काम को नहीं करवा मंदिर दर्शन के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं होटल और अब करेंगे लंच क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है फटाफट लंच करके फिर करेंगे रेस्ट क्या डालूं दाल तो दशा सीधी हो जाती है क्यों पंडित जी के पास अगर लगन नहीं होगा उस बीच में तो वो चिन्ह मिल जाता है लगन है चिन्ह मिल जाता है अगर उस भी अगर उनकी शादी कोई फिक्स नहीं हुई रहेगी ना वो चिन्ह मिलाएंगे हाँ इतनी तारीख का लगन बैठा है हम भी कहेंगे हो जाए उस दिन का लगन ही नहीं होगा पैसा बोलता है और वो चिन्ह भी मिल जाएगा अगर इनके बाद लगन अगर दूसरी साइड से भी तो मैच कराते हैं कोई नहीं रहता रे इतनी आफत क्या रही अरे अभी दूसरा पंडित भी तो धंधा कमाना है देखो जैसे हम पुलिस वालों को रिश्वत देते हैं अपना काम कराने के लिए वैसे भगवान और पंडित को रिश्वत दे रहे सीधी सी बात है मैं तुझे क्या बता रही हूँ ग्रहों की पूजा करवाई एक दिन पहले तक वो उल्टी चल रही है दशा ठीक है अगले दिन पूजा करवा दी और मतलब जो भी दिया भेंट भाट जो भी वो दशाएं सीधी हो गई आप प्रेमानंद महाराज जी के चर उसमें आने वाले हैं दूसरे नंबर में आप ही हो कल को माता जी भी सरण कमल काट के घर को ले जाने वाले हैं तुम्हारे ये प्रेमानंद जी की शिष्य है तो हमको टोटल इसका निचोड़ क्या मिला फिर क्या करना चाहिए खनन में ट्रक चल रहा है पैसा आ रहा है खूब लड़की है तो कोई देख लो भाई देख लो कितने ठाकुर हैं सुंदर सुशील लड़के कितने कितने हुए हैं और तीनों ठाकुर चारों ठाकुर हैं मेरे हैं 2000 2000 में से कोई तो होगी सुशील कन्या हमारे मेवाड़ी जी सुंदर सुशील ये मेवाड़ी जी ये मेवाड़ी जी कर्मठ जुझारू सर गाड़ी जो साफ कर सके सुबह उठ के इनके उठने से पहले गाड़ी में पोछा ओछा लगा के हॉर्न बजा के पैसेंजरों को बैठा दे उसके बाद कंडक्टर का पूरा काम करे भाई ऐसी कोई सुशील कन्या हो तो आप कृतिका पोखरिया में और ये वीडियो मेरे चैनल में भी है ये हमारे भरत भाई इनके पास डंपर है कोला में माल भर के जो घर तक ला दे रेता छान दे जो रेता छान के डंपर थोड़ी है वही मेवाड़ वाले खच्चर है यार मेरे धारानगर मेवाड़ के मेवाड़ी के खच्चर नेपाल वालों के बारे में कुछ कहना है आपको जरा दिखाना नेपाल वालों को नेपाल वाले सोए हैं यार ओ भाई ओ नेपाल बाहर धूप जाने के बाद हम सब लोग यहाँ पे महफिल जमा के बैठे हैं और अगला ट्रिप आने वाला है भरत की साइड से क्या कह रहा है सरकार पैसे देगी तो मैं लाऊंगा बल वो भी 20 लाख में जिसको आना जिसको आना होगा इसे कांटेक्ट कर लेना फ्री वाला ट्रिप फ्री में इतना को लाऊंगा या 9 लोगों को बस इसकी शादी होएगी 10 लोगों को हो जाएगा राजस्थान आके ऊंट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है ना और यहाँ पे हमें ऊंट दिखिया है इस पे अभी बैठेंगे हम बात करते हैं पहले यहाँ चल रही है अंकल से बार्गेनिंग
अरे यार खच्चर करेंगे, चलते हम फोटो खींच लेंगे यहीं से। एक खच्चर उठ के ऊपर बैठ राजस्थान का मेवाड़ ऊंट पे बैठने जा रहा है। ओ माय गॉड, कान में कितनी पाउंड है। बैठो ना, जाओ, बैठ के नहीं रहे हो। अरे जाओ यार तुम, जाओ बैठने दो सबको। ये गई शेरनी उत्तराखंड की। ये मेवाड़ की पार्टी वाली मूवी देखी, बोल बोल वाली मूवी देखी, श्री श्री एक जाते हैं, बोल बोल सुनो, श्री श्री मेवाड़ की पार्टी, नथुआ खान बाबा रहे हैं, हाथ ऊपर। सुनो सुनो मोहल्ले वालों, फोटो के लिए हो रही है, फोटो शूट के लिए लड़ाई। हम फिर से शाम को आए हैं मार्केट घूमने और साथ में हैं इंदु जो यहीं सालासर से हैं और ये हमें घुमाने लेके आई हैं। यहाँ भी हम सर्च कर रहे हैं यहाँ का लोकल फूड, राजस्थान की मूढ़ी खाने जा रहे हैं आज हम। मूढ़ी, हाँ हमें भी नहीं पता मूढ़ी होती क्या है। हम देखना चाहेंगे, हम काफ़ी एक्साइटेड हैं मूढ़ी देखने के लिए। भेलपुरी, हाँ हम उसको झालमुड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हो? झालमुड़ी भी बोलते हैं। इसकी है ना भेलमुड़ी। अच्छा देखो, अच्छा यहाँ भेलपुरी नहीं भेलमुड़ी होती है। हाँ ओके, हाँ उत्तराखंड से ये हमारे पड़ोसी है। कौन? अच्छा पहले छोटे छोटे मीठा चटनी चाहिए तो बता। ये लो, कैसा लगा फिर? अभी टेस्टी नहीं है। काम भी बेस्ट, बहुत बढ़िया। कुछ कह रहा था शिवानी से, एक बार ले लो। कैसा लगा? शिवानी से पूछना है कौन? कैसा लगा? बहुत शिवानी कैसा लगा? बहुत टेस्टी। पूरा खाने वाले हैं इसको। और आप तो रोज ही खाते हो ना। हे भाई मजा आ गया इसको खा के, इतना स्पाइसी है ना ये, जितना ख़त्म होते जा रहा है इतना स्पाइसी। के साथ ये फ्रूटी पीना बहुत ज़रूरी हो गया है। और मेरी शक्ल। ये हमारे उधर की चॉकलेट मिठाई जो मैं उधर से लेके आई थी यहाँ पे देने के लिए। मारे वाके का नहीं, खान के खा लो, खान के खा लो, खानो खा लियो तेर मुनाई।
तो इन दोनों की लड़ाई चल रही है, ये इसको अपनी भाषा में बोल रही है और ये अपनी भाषा में बोल रहा है इसे। क्या बोला तूने, हिंदी बता उसका मीनिंग बता। ये तो है, क्या है 1913 बर्थडे है क्या? बर्थडे खिलाओ कितना जोरदार है। कौन उड़ गया थे? ये आपके लिए मिठाई है। मिठाई कौन सब है? ये मम्मी ने भेजी है। मम्मी ने भेजी है। लड्डू यहाँ तो मत बन दी। लड्डू नहीं है तो ये हमारी वहाँ की फेमस मिठाई है, आगरा की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड की क्या मिठाई है? देख तुम तो लड्डू या मंदिर में मन यार आ गए आ तो ये हम लोग पचपन 51 सीटर बस है। हाँ। हम लोग आगे से बैठ के आए हैं। वो आगे से बैठ रहे हैं। चलो अब आप अब का सलसी अगली बार। हाँ, अब के लिए और सलसी तेरे साथ ठीक है। जब तक बार बाइन बुला ले हूँ और बस थाड़ गांव कर मिन्न खाड़ घूम रहे हैं। हाँ। और क्या तो गाड़ी में ये सीट तो लाज जी भर देती था। ठीक है चार सीट जाएगी शादी तो देखे शिव। मिर्च की सब्जी मम्मी है गे? नहीं 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 मैं वीडियो बना रही हूँ खाली। मिर्च की सब्जी और बाजरे की रोटी। हाँ। वही किटकैट यहाँ तक फेमस है। इसने अभी मुझे लेर दिया दिया लेर दिया दिया और फिर ले ली। लेर दिया दिया जल्दी दे ना लेर दिया दियो मैं नहीं ले रही। ला जल्दी दे ले। देखो किटकैट यहाँ तक फेमस है। क्यों गनी हुई है टिकट खेड का सारा हमने 10 रुपए में जमाओ तो कौन खरीद दीजिए। क्या बोल रहा है 10 रुपए की आई? हां 10 रुपए दे रही हूं। चल तू इधर आ थैंक यू बोलूंगी जल्दी आ। थैंक यू है मतलब बहुत अच्छा है। मैं तो बड़ा दिमाग की होटल रख रही हूँ। चूल्हा गोबर का चूल्हा गोबर का चूल्हा एक वैग पोटा का चूल्हा जो बोरी देखो चल ना मट्टी का से गोबर बनाए हम जाने। आंटी बना रही हैं बाजरे की रोटी हाथ से। ये हम बात कर रहे हैं भाई यूट्यूबर यूट्यूबर चंडे ना क्या चंडे मेरी थोड़ी सी बात है रो यूट्यूब बना रही है। ये तेरी दादी हुई नानी 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 नानी, नानी को क्या बोलते हैं आपके उधर? नानी बोलते क्या बोलता है? सनी का तो ठोकर लगा के सर कौन बैठा तो अरे मैं दिख तो नहीं मां झूठी है नहीं क्या कह रहे हैं सिर लगे है तपला सर्दी लग रही है क्या? हां तो तपलो ऐसे। शिवानी का राजस्थान में भी ये हाल है। आग के पास बैठी है। मारता भाई 4 बजे पापा आ रहे हैं। चलो 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 बड़म चलो छेड़ा साड़ी मत कर जा संदीप थाली ले थाली ले रे बस दो ही रोटी बनाओ हमारे लिए। तो मैं कौन खाएगा? अच्छा तू भी खाएगा? भूखा मर छूगे। अरे रोटी तो खा ली ना पहले थाली ले रहा दे खाले खाले तू ले खाले भूख से ना ना मतलब खाएगा भूखा क्यों मरेगा? अरे नहीं रोटी नहीं वो कर एक भाई हो थाली पर बैठ भूखो क्यों रहे थाली पर बैठ भूखो क्यों रहे रोटी मना ले चली बच्चा भूखो रहती ले जा जा। आंटी बोल रही है राजस्थानी लैंग्वेज और ये यहाँ पे बैठा है संदीप क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित 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 हमें ट्रांसलेट करके बता रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। मम्मी घर पे है जब बात करो वीडियो कॉल
माँ को हिंदी नहीं आती। अभी आंटी को करनी है मम्मी से वीडियो कॉल पे बात, तो वीडियो को करते हैं बंद। ये लगाया यहाँ आंटी ने दबा के घी, मैं और डाल दूंगी बस इतना ही, और इतना मत डालो, हम इतना घी नहीं खाते, मैं खाऊंगा मत, खाना चाहिए घी से बॉडी बनती है। की कोनी खा सकती रे, की कोनी तभी तेरी बन रही है, तभी है अच्छी घी खाई जैसे। ये है मिर्च की सब्जी, बस 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 बस, अब खाना बाहर खाओ, लियो मैं खाऊंगी, आ जा सिलू इतला जा, घर खा जा, ले जा पटका, ले जा, कैसा हो रहा है, जा गोया रोटी खा जा, मैं जूने